सुबह का नाश्ता लगाया जा रहा है। दुर्गा बहू, अरे गुड्डन, अरे बेटा तूने ये क्या पहन रखा है? दादी हम आपको बताते हैं, आज ना हमारा बहुत जरूरी ऑडिशन है, और आपको पता है मैं कौन सा किरदार निभाने के लिए बुलाया? कौन सा? एक यंग सास का। हाँ दादी, अब उनको क्या पता कि हम तो एक्चुअल में ये किरदार निभा रहे हैं, हम तो असली में ही सास हैं। पर दादी उन्होंने हमें बोला कि ये जो सास है ना वो बहुत आदर्शवादी और ऐसे स्ट्रिक्ट टाइप से है, तो फिर हमें लगा कि अब हम तो ऐसे दिखते नहीं, तो हम क्या करते, तो हमने ना फिर अपने किरदार को वजन देने के लिए दुर्गा जी के कपड़े पहन लिए। अब दादी उनका जो ये स्टाइल है, उनके जो कपड़े है, उसमें तो बहुत वजन है ना। हाँ, वजन है। तो इसलिए, और दादी आपको पता है हम एक्टिंग बिल्कुल उनकी तरह करने वाले हैं। अच्छा, मुझ जैसा बनने का तुम सिर्फ नाटक कर सकती हो। और मेरी बात मानो तो ये सपना देखना भूल जाओ कि तुम मेरे जैसे बन सकती हो। हम आपके जैसा नहीं बन रहे हैं, हम तो सिर्फ ऑडिशन के लिए तैयार हुए। आज हमारा ऑडिशन है ना, और वहाँ पे ना हमें सास बनने की एक्टिंग करनी है, और फिर वहाँ पे उसके लिए बाहर जाकर नाक कटवाने की क्या जरूरत है? इस घर में भी तो तुम वही करती हो ना, सास बनने की एक्टिंग। और दादी आप अपनी बहू को कुछ समझाएंगे नहीं? इतने बड़े घर की बहू बाहर जाकर काम करेगी? अरे तो क्या हो गया, काम ही तो करने जा रहे हैं और एक्टिंग करने जा रहे हैं हम। दादी कला की पूजा करना तो तपस्या के समान होता है। हाँ? और एक मिनट, नहीं मतलब क्या दुर्गा जी, अब अगर हमारी शादी हो गई है तो हम एक्टिंग नहीं कर सकते? अरे कल को जब हम सुपर स्टार बन जाएंगे तो सोचिए क्या होगा, सब लोग कहेंगे अरे वो देखो गुड्डन इतनी कम उम्र में सास भी बन गई और सुपर स्टार भी बन गई, मतलब जिंदल परिवार की बहू सब लड़कियों के लिए मिसाल बन जाएगी। हाँ। और खास करके उन लड़कियों के लिए जिनकी दादी कम उम्र में शादी हो जाती है और बेचारी अपने सपने भी नहीं पूरे कर सकती है। सच्ची, तुम्हें समझाना तो बेकार है, क्योंकि समझाया तो उसे जाता है ना, जो कुछ समझने को तैयार हो, सुनने को तैयार हो। और रहा सवाल मिसाल बनने का, तो मेरे होते हुए तो ये नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें तुम करती हो ना, मुझे तो लगता है वो दिन दूर नहीं है जब ये परिवार परिवार नहीं रहेगा, इस परिवार का कोई नाम, कोई वजूद, कुछ नहीं रहेगा। नहीं होंगे, उस अक्षय जिंदल का रेस्टोरेंट जरूर बंद होगा, वो भी आज के आज। ओ भाई साहब, जबान संभाल के, कि जो दो गज लंबी जबान से बोल रहे हैं ना, इसको संभालिए। और क्या कहा आप लोगों ने, रेस्टोरेंट बंद कर देंगे? ऐसे कैसे बंद कर देंगे आप लोग, इसको मैं संभाल रही हूँ, सरस्वती जिंदल। और इंदौर के किसी आदमी में इतना दम नहीं है कि हमारे रेस्टोरेंट को बंद कर सके, आई बात समझ में? और अब अगर एक शब्द भी मेरे पापा के खिलाफ निकाला ना, तो तुम्हारा ये न्यूज चैनल बंद करवाने में मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे। ठीक है, आज का आज ही आपका ये रेस्टोरेंट बंद होगा। अरे मजाक लगा रखा है क्या आप लोगों ने, कोई आदमी वेज ऑर्डर कर रहा है और आप उसको नॉनवेज डिलीवर कर रहे हो। अगर उसका धर्म भ्रष्ट हो गया होता तो अरे
लगता है आप लोग मेरी बात को बहुत हल्के में ले रहे हैं। कोई बात नहीं, ऐसा बखेड़ा खड़ा करूंगा कि आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। इंदौर में खाने के नाम पर ऐसी धांधली नहीं चलेगी। जिसका मुझे डर था वही हुआ। तुमने भेजा था ना सरू को रेस्टोरेंट संभालने के लिए? एजे के इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया तुमने गुड्डन। पता नहीं कब तुमसे पीछा छूटेगा। देखिए भाई साहब, गलतियों का क्या है, गलतियां तो इंसानों से हो ही जाती है ना। हमें ही देख लीजिए, हमसे तो पचासों गलतियां होती हैं दिन में। क्या है ना कि इन्होंने नया नया रेस्टोरेंट संभालना शुरू किया, तो हो गई होगी गलती। हम आपसे इनकी तरफ से माफी मांगते हैं और हम लोग आराम से शांति से बैठ कर बात करते हैं ना। आइए भाई साहब। ओ मैडम, बहुत इंदौरी बन रही हो। हाँ, खाने के नाम पे जरा सी भी ऊंच नीच हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तेरी जो ये शांति है ना, वो तू अपने पास रख, क्योंकि अब अशांति होगी तेरे और तेरे पूरे परिवार के जीवन में। भूलो कि तुम जिंदल भवन में खड़े हो और यहां औरतों के साथ बदतमीजी करने के बारे में सोचने वाले को भी सजा मिलती है। और जिनसे तुम बात कर रहे हो वो और कोई नहीं बल्कि पत्नी है मेरी, मिसेस गुड्डन अक्षत जिंदल। इसीलिए अपनी हद में रहकर बात करो। जिंदल भवन में खड़ा हूं तो क्या डराओगे मुझे? तुम सभी को देख लूंगा, तुम सब पे केस करूंगा। शौक से करिए केस अब। अगर गलती हुई है हमसे तो उसकी जिम्मेदारी उठाना भी हम जानते हैं और जो सजा मिलेगी उसको भुगतने को भी तैयार है। हमें जो सजा मिलेगी वो कोर्ट देगा, पर तुमने जो किया है उसके बाद मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा सोचा है तुमने? पुलिस और कोर्ट के चक्कर काटते काटते जिंदगी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। माना हमसे गलती हुई है, लेकिन अगर तुम जैसे लोग ये सोचते कि मीडिया के दम पर आकर हमें डरा सकते हो तो कान खोल के सुन लो, डरता नहीं है अक्षत जिंदल। कई सालों से ये बिजनेस कर रहा हूं मैं, पर आज हमसे पहली बार गलती हुई है, इसलिए हमारे परिवार का नाम डुबाने के बारे में सोचना भी नहीं। कितने का था ये ऑर्डर? 500 का। ये पकड़ो, 500 के 5 लाख। और ये इसलिए नहीं है कि तुम अपनी बात दबा दो, बल्कि इसलिए है क्योंकि हमें एहसास है कि हमसे गलती हुई है और हम उस गलती के लिए शर्मिंदा भी हैं। जो केस करना है जाके करो, लेकिन आइंदा कभी किसी के घर में घुसकर औरतों के साथ बदतमीजी करने के बारे में सोचा भी ना तो याद रखना, ये आज की औरतें
हाथ छोड़ना इन्हें भी आता है। आप लोगों को आपका मसालेदार फुटेज मिल गया या और चाहिए? Kindly get lost. एजे, सॉरी, वो गलती हो। वो तो अच्छा हुआ कि लॉर्ड कृष्णा जी ने आपको टाइम पर भेज दिया, वरना ये लोग तो पता नहीं क्या कर। मैंने तो पहले ही चेतावनी दी थी, पर इस घर में मेरी सुनता कौन है? आज से पहले ही इस घर में ऐसी नौबत कभी नहीं आई थी, और आज ये जो कुछ भी हुआ है ये सब इस गलतियों की दुकान गुड्डन की वजह से हुआ है। कुछ समय पहले आप ही की शादी हुई थी इस गलतियों की दुकान से। मैं इसे अपनी सास मानूं या ना मानूं, पर है तो ये आपकी पत्नी है ना? आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ एजे। अगर किशोर और वरदान में से किसने ये गलती की होती तो उनके साथ भी वही होता जो आज होगा। मेरे लिए गलती गलती है, चाहे वो जो कोई भी करे। ये पति पत्नी का नहीं बल्कि पूरे परिवार का मामला है, इसीलिए बात भी सबके सामने और सबके बीच में होगी। मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमको इस घर की जिम्मेदारियां देते वक्त साफ साफ कहा था मैंने कि मुझ तक कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए, पर आज तुम्हारी वजह से मेरे रेस्टोरेंट का नाम खराब हुआ। वो रेस्टोरेंट जिसकी वजह से ये परिवार ही नहीं ये घर है, आज उस रेस्टोरेंट पर तुम्हारी वजह से कीचड़ उछाला गया। तुमको पता भी है कि वो रेस्टोरेंट मेरी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है। मंदिर है मेरा वो मंदिर, और मेरा काम मेरी पूजा, और ये कमाल भी तुम ही कर सकते हो। डन, घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते रेस्टोरेंट का नुकसान करा दिया। और तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा लगता है कि औरतें सिर्फ घर में काम करें? नहीं, मुझे पता है कि कौन किस लायक है। लोगों की असली काबिलियत को परखना आता है ना तुमको? आता है ना? तो पूछो अपनी सरस्वती बहू से कि कैसे उन्होंने पहले ही दिन 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट कमा के दिखाया। बताइए बहू, अपनी सास को बताइए कि कैसे आपने वेज बनाने वाले पूरे स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया और उनकी सैलरी बचाकर आपने 1,00,000 का प्रॉफिट कमाया। और अगर आपने ये सब नहीं किया होता तो आज ये सब जो हुआ इस घर में ये हरगिज नहीं होता। सब सच बताया ना मैंने या कुछ रह गया? बताइए बताइए जी। पर इस सबकी असली जिम्मेदार तुम हो गुड्डन। सबको खुश करने के चक्कर में उनको वो जिम्मेदारियां दे दी जो वो चाहते तो हैं पर करने के लायक नहीं। लाइसेंस पाने से पहले अगर गाड़ी चलाई जाए ना तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है गुड्डन, नुकसान। बस लल्ला, बहुत हो गया। बहुत तो हो गया है माँ, बहुत हो गया है। कम से कम अब तो इस लड़की की सिर्फ अच्छाइयां देखनी बंद कीजिए। पैसों के लिए मुझसे शादी की थी इसने,
ये बात आप भूल सकती हैं, पर मैं नहीं। पर ऐसा नहीं है कि मैंने भूलने की कोशिश नहीं की, पर जितनी बार कोशिश की उतनी बार इस लड़की ने मुझे याद दिलाया कि ये हमारे भरोसे के लायक ही नहीं। देख लिए तुम्हारे तरीके मैंने, और उनसे होने वाले नुकसान भी अब सब वैसे होगा जैसे पहले हुआ करता था। रेस्टोरेंट सरस्वती बहू नहीं, वरदान संभालेगा। अच्छी जिम्मेदारियां निभाई है तुमने। गलती हुई जो मैंने आप पर भरोसा किया, आपकी वजह से मैंने पुराने सपने पाल लिए थे, अब उन्हीं सपनों को आग लगा रही हूं। छोड़िए मेरा हाथ। अरे पर आप नहीं जा सकते, आप ऐसे नहीं कर। क्यों किया साधु माँ आपने? जब मैं इस घर में आई थी तो सारे सपनों को, सारे ख्वाहिशों को भूल गई थी, तो आपको किसने हक दिया मेरे पुराने सपनों को खुरेदने का? जब आपके हक में कुछ था ही नहीं, तो अच्छी सास साबित करने के लिए मेरा और लक्ष्मी जी का इस्तेमाल क्यों किया? एजे ने कितना कुछ कहा मुझे सबके सामने, वो भी आपकी वजह से। तो मैं अपने सपनों को भी नहीं पूरा कर सकती, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, वो भी आपकी वजह से। हाँ सासु माँ, क्यों दी आपने हमको पल भर की खुशी जब बाद में आपको छीन नहीं थी? माना कि सरू से गलती हुई, लेकिन उससे बड़ी गलती तो आपने की है ना, उसे वहां बेचकर। ना आप उसे बेचती और ना उसे वो गलती होती, आपकी वजह से मेरे पति फिर से काम पर जाएंगे और दुगनी मेहनत करेंगे सिर्फ उस नुकसान की भरपाई करने के लिए। अरे आपको हमने सास का दर्जा दिया था, आपके पांव छुए थे, लेकिन आपने क्या किया हमारे साथ? अब लगता है दुर्गति बिल्कुल सही कहती थी, आप एक अच्छी सास, आप तो एक अच्छी बहू भी नहीं बन सकती है। अरे गुड्डन जी, क्या कमाल का ऑडिशन दिया है आपने। हमारे डायरेक्टर साहब को तो बहुत पसंद आया, उन्होंने बोला है जल्द से जल्द आपका ऑडिशन लेने को। अच्छा, कितनी देर में आ सकती हैं आप? नहीं देना मैं कोई ऑडिशन, नहीं आना कहीं भी। श्री गुड्डन आने से इनकार क्यों कर रही है? मैंने बोला था ना गुड्डन, मुझे किसी भी हाल में यहाँ चाहिए। तू कुछ भी कर, बड़ी बड़ी बातें कर, उसके उसके तारीफ कर, लेकिन मुझे गुड्डन यहाँ चाहिए किसी भी हाल में। कहा था ना मैंने, और मैंने ये भी कहा था
कि इस गेम में फेल होना अलाउड नहीं है। कहा था कि नहीं? इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से तो हुआ, पर उसने पहले हाँ भी कर दिया, अब एंड मौके पे आके उसने मना कर दिया। मुझे भी तो नहीं पता था ना सर। पता तो तुझे नहीं है कि जब मुझे कुछ पता नहीं होता है ना, तब मेरा दिमाग क्या क्या पता करने में लग जाता है। बस बेटा तू ये समझ ले कि अगर आज वो गुड्डन यहाँ नहीं आया तो तेरा बेटा तो बैठ जाएगा, समझ गया ना? पैसों के लिए मुझसे शादी की थी इसने, ये हमारे भरोसे के लायक ही नहीं। तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, वो भी आपकी वजह से। दुर्गति बिल्कुल सही कहती थी, आप एक अच्छी सास, आप तो एक अच्छी बहू भी नहीं बन सकती।